श्री जी आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में 10 धर्म आते हैं, सामान्य मुनि भी उनका पालन करते हैं, लेकिन अष्टांग का पर्व का मुनियों के जीवन में क्या महत्व है, कृपया बताने की कृपा करें। मुनियों के संबंध में दो परंपराएं मिलती हैं, एक श्रावक की और एक मुनियों की। मुनियों का, श्रावकों का जीवन सदा आरंभ और परिग्रह से युक्त रहता है, इसलिए आरंभ और परिग्रह के विमोचन के लिए उनको कोई पर्व कहे गए। साधुओं का जीवन सदा पवित्र होने से, मन वचन काय की पवित्रता होने से उनके जीवन में इस प्रकार, तो उनके लिए कोई पर्वों का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई भी पर्व आ जाए, साधु के लिए कोई पर्व नहीं होता, क्योंकि उनका तो सदा पर्व चलते रहते और उन पर्वों के ऊपर वो सदा ही अपने जीवन को, उन व्यक्तियों के लिए है जो सदा पाप करते हैं। आरंभ परिग्रह राग द्वेष, तो उनसे कहा जाता है भाई पर्व के दिन में कम से कम तुम कोई भी कार्य 7 दिन करते हो तो एक अष्टमी चौदस को नहीं करो, और जो 12 मासी करते हैं अष्टान का 10 लाक्षण पर्व मत करो। इसलिए ग्रस्तों के लिए तो पर्व होते हैं, साधुओं के लिए कोई पर्व नहीं है। उनका पर्व तो यही है कि वो अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं, उन पर्वों से बड़ी है चर्या, बहुत बड़ी है। उनकी जो चर्या है वह चर्या पर्वों से भी महान है। क्या करेंगे अष्टमी चौदस को उपवास, वो तो सदा एक आसन करते हैं, अंतराय पालते हैं, सामायिक आदि करते हैं। इसलिए मुनियों के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार के पर्व के संबंध की कोई विशेषता शास्त्रों में नहीं है, ग्रस्तों के लिए है। और उन ग्रस्तों के लिए जो सदा उस प्रकार के कार्य करते हैं वही व्रति बन जाते हैं, आगे 11 प्रतिमा आदि धारण कर लेते हैं, तो पर उनके लिए भी वह नियम लागू नहीं होता।